खबर मध्य प्रदेश के रतलाम के जावरा से, जहां पर समीपस ग्राम पंचायत खारवा खुर्द में देखने को मिला है स्वच्छ भारत अभियान की उड़ाई जा रही है धज्जियां। हम आपको बता दें, मुंडला खुर्द के ग्रामीण आज भी एक स्थान से कीचड़ के मांग से आसपास निकलने को हो रहे हैं मजबूर। नई आबादी के विद्यार्थियों को भी आज भी घुटनों तक पानी में होकर स्कूल जाना पड़ता है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत तीन गांव आते हैं, तीनों गांवों की शालाओं में आज मध्याह्न भोजन में मेन्यू अनुसार खाना भी नहीं बन पाया। ग्राम पंचायत के ग्राम मुंडला खुर्द प्राथमिक शाला में स्वास्थ्य भारत अभियान के अंतर्गत निर्मित शौचालय भी पूरी तरह से जंजर हो चुके हैं एवं पूरे परिसर में घास फूस की स्थिति बनी हुई है। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज पर लाल सिंह राठौर के साथ। नाम बेटा तेरा? चरण सिंह। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? पांचवी। किधर जा रहा है? इधर स्कूल। हाँ, इधर कहाँ से आ रहा तू? नई वादी से। तू रोज ऐसे ही जाना पड़ता है? नीचे गिर जाते हैं, पढ़ जाते हैं। इधर कहाँ से आते हैं? उधर से। सर जी, हम उधर से आते हैं। सर जी, नई आबादी बहुत नई बात है। कहाँ जा रहे हैं? इधर स्कूल। एक मिनट, वापस। एक मिनट। क्या नाम तेरा? संदीप। कौन से कक्षा में पढ़ता है? चौथे। रोज थालियाँ धोते हो क्या स्कूल? हाँ, के हाँ। वो मध्याह्न भोजन वाली भाई नहीं धोती है थालियाँ? हाँ। सब बच्चे धोते हो तुम ही? हाँ। धन्यवाद। और यहाँ से मतलब बच्चे आते हैं, 20-25 बच्चे आते हैं यहाँ से। तो उनके आने जाने के क्या यही मार्ग है? यही मार्ग, वैकल्पिक मार्ग। हाँ, इसी मार्ग से आते हैं सारे बच्चे। नहीं, बच्चे आ नहीं सकते हैं। कीचड़ देख लो, भयंकर कीचड़ है ये रोड भी। पहला मतलब जिन्हें कोई मतलब मोरम डाली ने कुछ दिन डाला है। ग्राम पंचायत को आपने अवगत कराया था? करा दिया था। ग्राम पंचायत वाले बताते हैं कि ये मोरम घीसी रोड हो गई है, डामर रोड बना हुआ है। हाँ, कि मतलब जिन्हें वो बताते हैं, पहला हो गया नहीं, हो गया नहीं, मतलब जिन्हें दफ्तर में जाने कैसे किया। डामरीकरण में आ रहा है ये रोड। हाँ, वो बताते हैं लोग बाग में तो नहीं। हाँ, डामरीकरण में वो बताते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। डामरीकरण है ना, मतलब कितने बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं? 25 एक बच्चे आते हैं यहाँ गाँव के अंदर, सारे 25 बच्चे आते हैं। ठीक है। आस पास और एक शौचालय में तो ताले भी नहीं खुले हैं जब से निर्मित हुआ है जब से। अरे उधर वो पानी भरा हुआ है तो आंगनबाड़ी का शौचालय है, जबकि हमारे स्कूल का तो दोनों खुले हुए हैं, बालिका शौचालय और बच्चों का। कौन सी माध्यमिक देखते हो? प्राथमिक। एकीकृत हो गया। एकीकरण सर, ये मध्याह्न भोजन जो बन रहा था, मध्याह्न भोजन का जो थालियाँ बच्चे धो रहे थे सर यहाँ पे, और शासन का ऐसा नियम है कि जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले जो हैं समूह सहायता समूह, मध्याह्न भोजन की थालियाँ बच्चों की वो धोते हैं। हमने देखा है कि बच्चे मध्याह्न भोजन की थालियाँ धो रहे थे। हाँ, वो तो कभी कभी हो जाता, नहीं तो धोते हैं वैसे भाई। मध्याह्न भोजन में भी आज मेनू अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं बना। हाँ, मेनू तो क्या है, जो दाल रोटी है उसका बना देता। बच्चे बता रहे थे कि रोज धोते हैं हम थालियाँ। हाँ, तो कह रहा हूँ बच्चे पर कभी कभी। आपकी भी तो जिम्मेदारी होती है सर इस ओर ध्यान देने की। हाँ, तो करवाते हैं ना भोजन। नहीं नहीं, आपकी तो जिम्मेदारी दिख नहीं रही सर। तो क्या जिम्मेदारी? ये बच्चे मध्याह्न भोजन, छोटे छोटे बच्चे थालियाँ धो रहे हैं शाला में। हाँ, तो आप ठीक है, आपके उनसे दिलवा देंगे बेटा, वो धो रहे थे। और बाउंड्री में भी पानी भरा हुआ है आपका, क्या कहना? क्या नाम आपका सर? जीवर पी। क्या देख रहे हो आप स्कूल का कार्य? कार्य क्या, अभी तो बारिश हो रही है तो कुछ हो नहीं रहा है। शौचालय जो पूरी तरह से, शौचालय में पानी की व्यवस्था के लिए वो व्यवस्था कर ही नहीं पाया, वहाँ से पाइप लाइन थी करी नहीं इन्होंने, हेडपम्प से जुड़ा का था नियम, शायद 15,000 की राशि थी वो पीएचसी वाला ने काट ली उसमें, और आया नहीं पानी की व्यवस्था कर रखी लाइनें वाइन बिछा रखी है, बाकी उसमें जॉइन नहीं करा उन्होंने। मध्याह्न भोजन भी व्यवस्थित नहीं बन रहा है यहाँ पे। नहीं, व्यवस्थित बच्चे थालियाँ धोते हैं? नहीं, कोई कोई बच्चा लेट आता वो धोला तो सहायता समूह धोता है ना सर, ये तो थाली की व्यवस्था है, बाकी वो अभी कभी कभी बच्चे लेट होते हैं तो धोने में उनको दिक्कत आता है। छात्र संख्या कितनी है सर अपने यहाँ पे? टीचर कितने? टीचर सर तीन टीचर है ना सर। और ये आगे पानी भरा हुआ प्रांगण में, स्कूल प्रांगण में, वो तो पानी गिर गया तो मटेरियल डाल नहीं पाया। ग्राम पंचायत का किसी प्रकार का सहयोग इसमें? पहले करा था, बाकी बारिश के बाद तो कुछ कराया नहीं है। हेडपम्प भी? हाँ, हेडपम्प में बड़ी दिक्कत आ रही है हमको, ये ऊँचा उठाने के लिए बार बार शिकायत होने के बाद। कहाँ पे किया आपने शिकायत? पीएचई विभाग को। अपन ने ग्राम पंचायत को अवगत किया है सर? नहीं, करा था ना पंचायत, मौके करा था हमने पंचायत वालों से। क्या बोला गया? तो उन्होंने व्यवस्था है नहीं करने की, शेड वेड बनेगा तो फ्रंटेड देंगे, उसके बाद बनेगा बनवाएंगे।